हमें पता लगा कि हम बहुत लेट आए। दे आर डूइंग दिस विलिंगली, किसी ने इनको कोई डेयर नहीं दिया है। नहीं है मेरा बैग डस्टबिन। चैनल है मौली कत्यार एंड इफ यू गाइस आर न्यू हियर प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन बिकॉज़ दैट वुड मीन अ लॉट टू मी। आज मैं जा रही हूँ सफदरजंग टूम। मेरे और मेरे पीजी के फ्रेंड्स का हमारा प्लान बना कि हम वहाँ जाके मतलब एज सच कुछ ज्यादा नहीं करेंगे, बस चिल करेंगे, बेडशीट वगैरह लेके जा रहे हैं एंड वहाँ बिछा के वील सिट चिल एंड ईट और बाकी सब अपना काम वाम करेंगे, तो वो सब होगा। इसलिए मैं आई जस्ट गॉट रेडी एंड आई विल टेक यू गाइस अलोंग विद मी, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। हाय गाइस, सो वी हैव मेड एन इम्प्रॉम्प्टू प्लान टू गो टू सफदरजंग टूम। मॉली बहुत ज्यादा तैयार हो गई है, मैं कॉलेज से ऐसी आई थी बिकॉज़ चलो ठीक है। हमने इस शॉप से बहुत सारे चिप्स ले लिए, जैसे हम स्कूल में जाते थे ना पिकनिक पे, हम बहुत सारे चिप्स लेके जाते थे एक पैकेट में, मम्मी दे देती थी कि ले लो, तो हमने वैसे करके पैकेट में बहुत सारे चिप्स और फ्रूटियाँ लिए और ले लिया। अब हम बाहर जाते थे, हम लोगों ने स्नैक्स वगैरह ले लिया और सैंडविचेस लिए एक जगह से हमने, तो हम ये सब वहाँ जाके खाएंगे एंड लेट्स सी कि और क्या क्या करते हैं। जीवन का कड़ा इम्तिहान। वी हैव रीच टू मायूस टूम। वैसे तो हम सफदरजंग टूम जा रहे थे बट वो 5 बजे बंद हो जाता है हमें पता लगा, तो हम 5 बजे 4:30 हो रहे थे शायद जब हमने देखा, तो हमने कहा कोई जाने का फायदा नहीं है, तो हम लोग मायूस टूम आए। मौली की वजह से लेट हुए थे हम। बिल्कुल, क्योंकि मैं तैयार हो रही थी। नहीं, सब टाइम सब देख लो, हम तो सब ऐसे ही आए, तैयार होके यही आई है। आज मैं बहुत जल्दी तैयार हुई हूँ। प्लीज देख लो मौली, इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए अपने। हमें पता लगा है कि हम बहुत लेट आए हैं क्योंकि ये भी 6 बजे बंद हो जाएगा एंड वही अभी हो रहा है 5:40, तो देयर इज़ नो सेंस कि हम यहाँ जाएं। तो अब हम सुंदर नर्सरी जा रहे हैं, वो देखते कितनी बजे तक खुला होता है। यहाँ पे बहुत बर्ड्स की आवाज़ आ रही है एंड हम लोग पहुंच तो गए हैं, पर हम लोग पहले पिक्चर्स क्लिक करा रहे हैं क्योंकि अभी रोशनी है एंड काफ़ी प्यारा व्यू आ रहा है, तो पहले हम लोग पिक्चर्स क्लिक करा रहे हैं ताकि पिक्चर्स हो जाए हमारी, फिर हम आराम से बैठ जाए क्योंकि फिर लाइट चली जाएगी तो अंधेरा हो जाएगा, तो पिक्चर्स इतनी प्यारी नहीं आएंगी। और अभी बहुत प्यारा व्यू आ रहा है, स्काई भी बहुत प्यारा हो रहा है, तो वी आर गेटिंग पिक्चर्स क्लिक राइट नाउ। ये दोनों कम्प्लीटली पागल हो गए हैं, प्री वेडिंग शूट चल रहा है इन दोनों का। They are doing this willingly. किसी ने इनको कोई डेयर नहीं दिया है। अभी we are just figuring it out कि क्या चीज कहाँ पर है। हमने मैप ले तो लिया है 20 रुपए का, है ना बता दीदी? 20 hard earned rupees guys. Molly, this is a keepsake forever for life. तस्वीर तस्वीर खींचे आपकी। जा रहे हम श्रीदा दीदी। If there are no fish, तालाब किनारे दिल ये पुकारे। सो दिस इज अ सेटअप, ये हमारा सारा चिप्स एंड ऑल है। यू वांट टू ट्राई दिस? और इसमें है सैंडविचेस जो हम अभी खाने वाले हैं। ये ऑल सेट, हमने बेडशीट बिछा लिया, सब रख लिया। देख लो पहले दोनों एक ही जैसे दिख रही है, ये भी चीज उनको हम जैसे दिख रहा टाइम पर ये हम लोग अब निकल गए हैं, सारा हमने रैप अप करा और सब कुछ, और निकल गए अब हम कैब बुक करें एंड वी गो बैक। इस टाइम काफ़ी सुंदर हो रहा है क्योंकि सारी अंधेरा हो गया और लाइट्स ऑन हो गई हैं। 3 days later. Hi guys, so it's another day and me and my PG friends are going to Sundar Nursery today.
सो वहाँ पर एक कल्चरल फेस्टिवल है आज, जिसका नाम अर्थ है, और वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी परफॉर्मेंसेज, म्यूजिकल परफॉर्मेंसेज एंड काफ़ी सारी चीज़ें हैं। बट बेसिकली हम लोग जा रहे हैं जावेद अली के लिए, क्योंकि रात को 7:45 पर वहाँ पे जावेद अली की सूफी नाइट है। सो दैट इज़ वॉट वी आर गोइंग फॉर। पूरे दिन का हमने कुछ अटेंड नहीं करा है, हम बस सूफी नाइट के लिए जा रहे हैं, क्योंकि दैट इज़ वॉट वी एक्साइटेड फॉर। ऑल्सो मैं आपको अपना आउटफिट के बारे में बताना चाहती हूँ। बेसिकली कल्चरल फेस्ट था, तो मैंने सोचा कि कुछ इंडियन की तरफ जाते हैं, बट देन आई वॉज लाइक कि इंडियन में फेल वेयर कुर्ता पैंट्स तो वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, इन फेस्ट के हिसाब से नहीं रहेगा। सो आई फाउंड दिस ड्रेस इन माई वार्डरोब जो प्रॉपर मैच कर रही थी मेरे माइंड में जो इमेज बन रही थी कि मुझे क्या पहनना है उसको। सो दिस इज़ प्रिंटेड बट ए ड्रेस, तो थोड़ा इंडियन वाइब भी आ रही थी। एंड मैंने झुमकाज ऐड कर ली हैं थोड़ा सा फ्यूजन करने के लिए, एंड ऑल्सो एड अ स्लिंग बैग। सो दिस वॉज अबाउट माई आउटफिट एंड अबाउट माई मेकअप। मैंने एक वायरल हैक ट्राई करा, एंड टू सी दैट यू गाइज हैव टू फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, क्योंकि मैं वहाँ काफ़ी चीज़ें डालती रहती हूँ, हैक्स, फैशन रिलेटेड कॉन्टेंट, मेकअप रिलेटेड कॉन्टेंट, लाइफ स्टाइल कॉन्टेंट, सब कुछ है वहाँ पर। सो टू सी दैट फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, आई इज मेंशन राइट हेयर, गो फॉलो एंड लेट्स गो। Two on the highest note possible is truly the one and the only Javed. Good evening, everyone. Phool se khushboo khafa khafa hai, kehne ko jashn e bahara hai, ishq ye dekh ke hai. Everyone, put your hands together. Aaj din chale. जिस्मो जैसे अजंता की कुछ गाने ऐसे होते हैं कि जो कानों से सुनेंगे लेकिन दिल से भी साथ में सुनते हैं, तो उसका जो मजा है वो हमेशा बना रहता है। तो मैं चाहूंगा ये गाने आप दिल से सुने। मन के मेरे ये भरम, सच्चे तेरे ये करम, वही था वही था वही था। एवरीवन आया तुम आया तुम आया वजा मेरे माया। सो आई एम बैक। मैं वहाँ पर ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई, एक साइड फूड स्टॉल्स थे और एक साइड आर्ट एंड क्राफ्ट के थोड़े स्टॉल्स थे, और बीच में परफॉर्मेंसेज हो रही थी, और हमारा थोड़ा सा टाइम पास नहीं हो पा रहा था क्योंकि जावेद अली थोड़ा लेट हो गया था और हम लोग वेट ही कर रहे थे। तो हम बाहर निकले, सुंदर नर्सरी के एक पार्ट में वो हो रहा था, तो हम उस जगह से बाहर निकले तो हमें जावेद अली की एंट्री होते हुए दिख गई। तो मैंने वो क्लिप भी डाल रखी है उसमें थोड़ी सी जो मैंने रिकॉर्ड करी। तो फिर हम एक्साइटेड हो गए, हम वापस अंदर चले गए, एंड देन वी वेटेड फॉर जावेद अली। देन जावेद अली आया एंड उसने गाने गाए, जश्ने बहारा, कुन फाया कुन, आफरीन आफरीन। फॉर मी द बेस्ट वॉज जश्ने बहारा एंड कुन फाया कुन, आई एन्जॉय द मोस्ट इन बोथ ऑफ द सॉन्ग्स। और बस वही सब था, हमने काफ़ी इन्जॉय करा, और अब मैं वापस आ गई हूँ वहाँ से। सो दैट इज़ इट फॉर दिस व्लॉग सुंदर नर्सरी का। बेसिकली उस दिन भी मैं सुंदर नर्सरी गई थी एंड आई वेंट अगेन सुंदर नर्सरी टुडे, सो आई थॉट टू कंबाइन बोथ ऑफ दिस व्लॉग्स। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप यू गाइज लाइक इट। इफ यू गाइज लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, बिकॉज दैट वुड मीन अ लॉट टू मी।